हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट ऑन पेज नंबर 183। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। टू क्यूब्स ईच विद साइड बी आर जॉइंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है, सेम क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है और साइड दे रखी है बी। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और एक क्यूबॉइड बनाते हैं। इस तरह का क्यूबॉइड बनेगा। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सेकेंडली हमें बताना है इज इट 12b² क्या ये 12b² होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री सच क्यूब्स इज 18b². हमें बताना है कि अगर यहाँ पर हम इसके अंदर एक क्यूब और जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक क्यूबॉइड आ जाएगा जिसके अंदर थ्री क्यूब्स हैं। हमें बताना है कि क्या इसका सरफेस एरिया 18b² होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आप इसका कलर को ना देखें, ये देखें कि ये दोनों एक क्यूब दिए हुए हैं, सेम क्यूब हैं, ठीक है, और इनकी साइड दे रखी है बी। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास इस तरह की शेप आएगी जो एक क्यूबॉइड की होगी, क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो चेंज हो जाती है। हाइट सेम रहेगी, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स गिवन इट विल बी 12b². ये क्या दिया हुआ है कि ये 12b² होगी, बट दिस इज रॉन्ग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम निकाल के देख लेते हैं कि क्या होगी लेंथ, यहाँ क्या यहाँ पे इसका सरफेस एरिया होगा। ये यहाँ पे लेंथ है, ये हो जाएगी 2b, ये यहाँ पे हाइट है, ये b है, ये यहाँ पे ब्रेड्थ है, ये b है, और ये यहाँ पे हाइट है, ये भी b है। तो ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो 2b हो जाएगी। पहले क्या थी, b थी, अब हो जाएगी 2b। लेंथ इज इक्वल टू 2b, ब्रेड्थ इज इक्वल टू b और हाइट इज इक्वल टू b। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। 2l × b प्लस b × h प्लस h × l। वैल्यूज पुट करेंगे, 2b लेंथ कितनी है, 2b, 2b × b प्लस ब्रेड्थ हाइट b × b प्लस हाइट लेंथ b × 2b। मल्टीप्लाई करेंगे 2b² प्लस b² प्लस 2b², ऐड करेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर 5b² और बाहर दिया हुआ है 2, ये आ जाएगा 10b². तो अब आपको समझ में आ गया कि ये 12b² क्यों नहीं होगा। वैसे भी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब हम एक दो क्यूब को लेते हैं और एक क्यूबॉइड बन जाता है तो इसके जो बीच में जो दो सरफेसेस हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो सरफेसेस वैसे भी कम हो जाएंगे, तो 12b² में से आप 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10b². If three cubes are joined together, first case में क्या था, हमने दो क्यूब को join किया था, और था second case में हमने क्या करना है, three cubes को join करना है। Surface area क्या हो जाएगा, it will not be 18b², ये 18b² नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ये यहाँ पे three cubes दे रखे हैं और side दे रखी है b। इस तरह से यहाँ पे एक क्यूबॉइड बन जाएगा, यहाँ पर इसकी हाइट भी रहेगी, ब्रेड्थ भी रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो 3b हो जाएगी। हेयर l इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू b, h इज इक्वल टू b। अब हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। 2l × b 3b × b प्लस bh b × b प्लस HL b × 3b। मल्टीप्लाई करेंगे 3b² प्लस b² प्लस 3b², ब्रैकेट के अंदर जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7b² 2 × 7b² हो जाएगा 14b² अगर मेरे पास एक क्यूब और होता है इसके साइड में चिपकाने के लिए तो क्या होता कि दो फेसेस तो यहाँ से कम हो जाते, और एक अगर क्यूब इधर होता है तो दो फेसेस यहाँ से कम हो जाते। टोटल कितने होते हैं, 18 फेसेस होते हैं थ्री क्यूब्स में, और 4 फेसेस हमारे कम हो जाते।
तो 4 हम माइनस कर देंगे 18 में से, तो यह आ जाता हमारा 14 बी स्क्वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसमें आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।